अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हम खड़े हुए हैं जहाजबाड़ा में। जहाजबाड़ा इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून जगह, जहाँ पर मतलब आपको सुकून मिलेगा, लेकिन हाइकिंग ट्रैक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन नहीं है। ये हमारे साथ राजा है, राजा और मैं जो है ना अभी हम हाइकिंग करते हुए कटोरा लेक की तरफ जा रहे हैं। हमारा इरादा है कि हम मिनिमम टाइम में इस कटोरा लेक को जो है ना एक्सप्लोर करें, और कोशिश है हमारी। लेट्स सी, देखें क्या होता है। देखें सर, हम अब मैं आपको क्या बताऊं, जो मैं देख सकता हूं वो कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं और आपके पास दिल और गुर्दा के अलावा जिगरा भी है तो फिर आप यहाँ पर आइएगा, अदरवाइज ये गलती मत कीजिए। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और मेरे अब्बू के लिए ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ जहाजबाड़ा में। वो मुझे उन्होंने कल वीडियो कॉल पे बताया था, कॉल करके वीडियो देख के बताया कि जहाजबाड़ा ऐसे जहाजबाड़ा ऐसे, तो ये है मुझे जहाजबाड़ा, आप देख लो। इंशाल्लाह मैं हाइकिंग की भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कटोरा लेक की हाइक कितनी है और कितनी मुश्किल और कितनी डिफिकल्ट है। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, टेक केयर व्यूअर्स। ये हम हाइकिंग करते हुए आ रहे हैं, ये राजा, ये मैं, ट्रैक है और हम जा रहे हैं कटोरा लेक की तरफ। राजा, क्या पोजीशन है मेरे भाई? और हमारा एक दोस्त था आसिफ साहब, आसिफ साहब जो है ना वो हाइकिंग को देखते देखते रह गए हैं। और चले मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक दिखाता हूँ। सर ये ट्रैक है जिस पे से आपको जाना है, और स्लिप होने का बहुत खतरा है। बहुत जबरदस्त किस्म की हाइकिंग है, देखें हवा बहुत ठंडी है। देखिए सर ये लोकेशन है ओवरऑल, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर आना भी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रैक दिखाता रहूँगा और ट्रैक की मुश्किलात से भी आगाह करता रहूँगा। रिवर्स, ये एक हिल हमने और जो है वो क्रॉस किया है, और आहिस्ता आहिस्ता आप हमारी बैग देखें कैसी जगह है। सांस और ओबियसली हमारा फूल चुका है, क्योंकि हमने कल 6 घंटे की सामान के साथ हाइकिंग की है, और जहाजबाड़ा में हमने कैंपिंग की है। और मैं आपको आगे वीडियोस में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा, जहाजबाड़ा में आपको कैम्प्स और होटल में रिहायशी कमरे कैसे मिलेंगे, खाने की क्या पोजीशन है, क्या क्या मिल सकता है आपको, आप लोग क्या क्या अपने साथ लेके आए, क्या क्या लेके ना आए। हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है ना इस पर अपडेट देते रहेंगे। राजा भाई, और मतवाजिर हम ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते जा रहे हैं।
कि सारे लोग जो हैं जहाज बांटा की तरफ जा रहे हैं। देखें ये लोग हैं, आगे लोग हैं, सॉरी कटोरा लेक की तरफ ये पीछे लोग आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत रश है यहाँ पर जी। और जी आप देख रहे हैं मोहसिन ट्रैक पे रवाना हो चुके हैं। हाइकिंग मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, आखिर तक हिम्मत के साथ हाइकिंग करनी है आप लोगों ने। देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप वो ऊपर उस जगह पे हम जाएंगे जिसका नाम है कटोरा लेक। यहाँ की ब्यूटी है, यह खूबसूरती है यहाँ की, देख सकते हैं आप ये सारे पहाड़। जहाज बांडा की खूबसूरती राजा पानी पीते हुए आ रहे हैं। और ये हम कटोरा लेक के ट्रैक पर हैं। कटोरा लेक का जो ट्रैक है वो काफ़ी मुश्किल है और कोशिश कर रहे हैं जाने की। इंशाल्लाह हमने आज नीचे टिकट ऑफ भी उतरना है। ये हम कटोरा लेक की तरफ मैं और राजा हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं आरजे। और हमारे पास सिर्फ एक पानी की बोतल है और कुछ बिस्किट रखे हुए हैं, चने हैं हमारे पास। और चलते जा रहे हैं, देखें तकरीबन जगह सामने है, इतनी दूर नहीं रह गई है। अब थोड़ी सी स्ट्रगल और करनी है तो इंशाल्लाह हम कटोरा लेके पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हमें वापस भी आना है, पिक्चर शिक्षा बना के जहाज बांडा वापस पहुँचना है इंशाल्लाह। तो मैं आपको एक ट्रैक दिखाता रहूँगा। ये अभी हम चलते जा रहे हैं ट्रैक पर, लोग अल्लाह अकबर किनारे भी लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब कोई ट्रैक पता हो जाता है तो उसके बाद सारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह देखें ये सामने ये लोग आ रहे हैं, पीछे अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कुछ फीमेल्स हैं वो भी आ रही हैं, मेल्स भी आ रहे हैं। आरजे क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह आपको ट्रिप का मजा लगा? बहुत मजा आया। और नेक्स्ट ट्रिप हमारा इंशाल्लाह जो कटोरा लेके इसके बाद कुछ व्यूज रहते हैं और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ओके हमारा बस टिकट रखला एक वीडियो जोड़ो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें कटोरा लेक का ट्रैक है, ये आखिरी चढ़ाई है कटोरा लेक की जो अभी हमें उबूर करनी है। और लग तो मुश्किल रही है लेकिन ये सब जी कटोरा लेक की तरफ जा रहे हैं ये सारे मेहमान। कटोरा लेक छोटी कंडोल लेक है उसके पास पहुंच गए हैं। ये है राजा आरजे, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाइकिंग करके आए, बहुत मजा आया, थक गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आगे ये देखिए लेक के लिए ये सारी खूबसूरती है। और वो जो लेक है ना, वो जो हम जिधर जा रहे हैं कटोरा लेक, वो यहाँ पर है। तो उसके लिए थोड़ा ट्रैक भी देखें, खतरनाक है, लोग जा रहे हैं। ये देखें क्या कहेंगे मोहसिन आप इस जगह के बारे में? जगह बहुत खूबसूरत है राजा, बहुत पुरसकून है।
हाइकिंग है सिर्फ, थोड़ा टफ टाइम है लेकिन हाइकिंग के बगैर तो तक पहुँचना मुश्किल है। तो ये है छोटी कटोरा लेक, आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह भी हम कंडोल लेक जो है ऊपर जाएंगे जो बड़ी है। वो जगह जाएंगे ये छोटी कंडोल लेक, और अभी जो है हम कटोरा लेक की तरफ गामजन है। राजा कैसी लग रही है लेक आपको? बहुत ट्रैक भी देख लें, ये ट्रैक है, हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक है कटोरा लेक का। जहाज बांडा का लास्ट हाइकिंग ट्रैक है जो बहुत ही खतरनाक है। कटोरा लेक का सबसे खतरनाक लास्ट वन ट्रैक है। राजा हुई आखिरत तो टीजू नुजे ने थे सही हुई जोड़े में खात्मे है। बहुत ही सख्त किस्म का ट्रैक है, इसके बाद कटोरा लेक है। इटली का बॉर्डर देखिए भाई भी कुछ कैसा लग रहा है इटली पहुंचने वाले सर। फीलिंग ऐसे आ रही है हाँ तस में मंगरी कम से। ये दोस्त पिंडी से हैं और ये बस हुई है। बिल्कुल बस हुई है लेकिन बस वो इनको एक मोटिवेशनल फैक्टर है जो इनको मजीद चलने पे कह रहा है चलो सेम ईयर। हमें महसूस हो रहा है कि हमें बदुआ हुई है। वैसे यार मेरे अब्बू ने मुझे फोन करके कहा था जाओ मत ट्रैक बहुत सख्त है। या अल्लाह खैर वो है कटोरा लेक। राजा क्या कहने से जाएंगे
कैसी थी हाइकिंग? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और आगे भी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये आपको हमारे मोहसिन साहब क्या कहेंगे? मोहसिन आप जगह खूबसूरत है लेकिन ज़्यादा आसान काम है, थोड़ा स्टे कर रहे हैं कटोरा लोग, मजीद है कटोरा लोग जो मजीद तकरीबन जा रहे हैं 14 मिनट लग गए, तो देखते हैं मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है इंशाल्लाह। वो मजबूत है राजा, अरे कुजी कुजी को बसिंग है यारू सर, बड़ी मुश्किल से हम आखिरकार कटोरा लेक पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लेक है और इसका ओवरफ्लो भी हो रहा है यहाँ पर और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हाइकिंग है ये कटोरा लेक। राजा कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही एंजस चलाई है यहाँ पे, एहतियात से आई हैं सब, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सब एहतियात से आए हैं, खूब रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं करना क्योंकि जगह बहुत स्लिपी है और पहले देखें फिर कदम रखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठंडी हवा है भैया, बहुत क्लास की हाइकिंग हो रही है, बूंदाबांदी हल्की हो रही है और दे सकते हमारे कटोरा जी कटोरा ले।